गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हमारा हिंदी लिटरेचर का इस मंथ का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब हम अपने जो रिमेनिंग मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं उनको शुरू कर लेते हैं। तो आज हम करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। कौन सा मॉडल टेस्ट पेपर है? नंबर 3, विच इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो इस मॉडल टेस्ट पेपर को करने से पहले आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? समानार्थी शब्द लिखो। हिंदी ग्रामर में अभी हमने समानार्थी शब्द का जो चैप्टर है वो खत्म किया है, सो यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनके मतलब एक जैसे होते हैं। तो हमारे शब्द कौन कौन से हैं? धरती, खुशबू, पिकनिक और राग। तो इन चारों शब्दों के हमको समानार्थी शब्द लिखना है। धरती, धरती का समानार्थी शब्द क्या होता है? धरती का समानार्थी शब्द होता है पृथ्वी। आपको पता है मॉडल टेस्ट पेपर का कोई भी आंसर आपको हम सॉल्व करके या राइट करके नहीं दिखाते हैं, हम ये आपको ओरली ही समझाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से काम करिएगा। समानार्थी शब्द धरती का क्या होता है? धरती का समानार्थी शब्द होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। खुशबू, खुशबू होती है फूलों में, खुशबू होती है खाने में, खुशबू इत्र में भी होती है, जो स्प्रे या परफ्यूम्स हम लगाते हैं उनमें भी खुशबू होती है, और भी कई चीजें होती हैं, वातावरण में भी खुशबू होती है। तो खुशबू का मतलब क्या होता है? खुशबू का समानार्थी शब्द होता है सुगंध। क्या होता है? सुगंध। तो खुशबू, सुगंध। पिकनिक, थर्ड क्या है हमारा? पिकनिक। व्हाट इज अ पिकनिक? पहले हम पिकनिक को एक्सप्लेन करते हैं। पिकनिक एक ऐसी एक्टिविटी होती है, क्योंकि हम चीज तो बोल नहीं सकते बिकॉज इट इज एन एक्टिविटी। पिकनिक एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें कई सारे लोग मिलकर कहीं बाहर जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो पिकनिक, पिकनिक का समानार्थी शब्द क्या होता है? वनभोज। पिकनिक मतलब वनभोज। रात, रात का समानार्थी शब्द क्या होता है? रात का होता है रात्रि। हिंदी ग्रामर में मैंने देखा था कई बच्चों ने त्र पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी थी, जो कि गलत है। रात्रि पर आती है त्र पे छोटी ई की मात्रा। रात का होता है रात्रि, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्य किसने कहा है? नीचे जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो सेंटेंसेस चैप्टर में किसने बोले हैं, और जिसने बोले हैं उसके नाम आपको लिखने हैं। ये एक्सरसाइज करनी कैसे है? पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर सेंटेंस उतारेंगे, और नेक्स्ट लाइन में, चाहे बगल में जगह हो या ना हो, नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर लिखेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, चलो पिकनिक मनाएं। क्या है हमारा पहला सेंटेंस? चलो पिकनिक मनाएं। ये सेंटेंस या फिर ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य कहा था पूसी बिल्ली ने। रविवार का दिन था और जंगल में, चंपक वन में सभी जानवर बोर हो रहे थे, तो पूसी बिल्ली बोली चलो हम सब मिलकर पिकनिक मनाएं। तो चलो पिकनिक मनाएं, ये कहा था पूसी बिल्ली ने। दूसरा सेंटेंस है, कौन मेरे गन्ने खा गया? क्या है? कौन मेरे गन्ने खा गया? ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य कहा था किसान ने। जब एरावत रात को आकर उसके खेत में से सारे गन्ने खा गया था, तो सुबह किसान ने यही तो कहा था, कौन मेरे गन्ने खा गया। थर्ड इज, मिलता है पर इतना मीठा गन्ना नहीं मिलता। क्या है सेंटेंस? मिलता है पर इतना मीठा गन्ना नहीं मिलता। बताइए किसने कहा था? ये कहा था एरावत ने। किसने कहा था? एरावत ने कहा था। जब किसान ने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ गन्ने नहीं मिलते क्या, तो उसने क्या कहा? मिलते तो हैं पर इतने मीठे गन्ने नहीं मिलते हैं। अगला है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा,
अब आप लोग ये बताइए, ये वाक्य जो है वो किस चैप्टर में से हो सकता है? बताइए मुझको, किसी को आइडिया है कि ये जो वाक्य है वो किस चैप्टर में से हो सकता है? करेक्ट, ये है पिकनिक में से, चैप्टर नंबर 5। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा, ये वाक्य कहा है चीकू चूहे ने। किसने कहा है? चीकू चूहे ने। जब खीर बन गई थी और खीर की खुशबू से सबको मजा आ रहा था, तो चीकू चूहे ने क्या कहा? मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा, मैं खीर खा लेता हूँ। तो मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, ये कहा था किसने? चीकू चूहे ने। 5th सेंटेंस क्या है? मैं सूखे मेवे ले आता हूँ। मैं सूखे मेवे ले आता हूँ, ये किसने कहा था? करेक्ट, ये कहा था गिल्लू गिलहरी ने। किसने कहा था? गिल्लू गिलहरी ने कहा था कि मैं सूखे मेवे ले आता हूँ। अच्छा, आपने बताइए ऐसा क्यों कहा होगा उसने? क्योंकि जो गिलहरी होती है वो नट्स खाती है। गिलहरी नट्स खाने के लिए, मतलब मेवे खाने के लिए फेमस है, इसीलिए कहा गया था कि गिलहरी के लिए कहा गया कि मैं सूखे मेवे ले आता हूँ। 3rd एक्सरसाइज है, निम्नलिखित व्यंजनों से 2 शब्द लिखो। नीचे जो आपको व्यंजन के समूह दिखाई दे रहे हैं, इनमें से हर समूह से आपको 2 शब्द लिखने हैं। अदसा और त, अददा और ध, अधक्का और ख, अदधा और य। इन चारों समूह से आपको 2 शब्द लिखने हैं। अदसा और त, ऐसा शब्द लिखना है जिसमें ये दोनों व्यंजन एक साथ आएं। अदसा और त, जैसे कि रास्ता, रा अदसा ता रास्ता, तो ये एक साथ आ रहे हैं रास्ता में। और अस्त में, अस्त में भी तो एक साथ आ रहे हैं। एक और हो सकता है नमस्ते, नमस्ते करते हैं ना हम, तो इन तीनों शब्दों में ये व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। अगला है द और ध, क्या है? अद द और ध, इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं, सॉरी ऐसे, अद ध और नीचे ध, तो ये बोलते हैं दध। तो इसका हो सकता है शुद्ध या फिर युद्ध, विरुद्ध, प्रसिद्ध, कई सारे हो गए अद द और ध, शुद्ध। अगला है अधक्का और ख, क्या है अगला? अधक्का और ख, इससे कौन सा शब्द बन सकता है? एक बन सकता है मक्खी, मक्खी होती है ना फ्लाई, मक्खी। दूसरा हो सकता है मक्खन, क्या हो सकता है? मक्खन। एक और हो सकता है मधुमक्खी, क्या होता है? मधुमक्खी। तो ये हो गए हमारे अधक्का और ख से शब्द। फिर है अदधा और य, अदधा और य, इससे बनते हैं ध्यान, ध्याय या फिर अध्ययन, क्या बन सकता है? अध्ययन। तो ये थे हमारे 3rd एक्सरसाइज, जिनमें हमें इन व्यंजनों से शब्द बनाने थे। अदसा ता रास्ता, नमस्ते अस्त, अददा धा शुद्ध, युद्ध, प्रसिद्ध, अधक्का ख, मक्खी, मक्खन, मधुमक्खी, अदधा या ध्यान, ध्याय या फिर अध्ययन। 4th एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? एक शब्द में उत्तर देना है। नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर, प्रश्नों के उत्तर हमको एक या दो शब्द में ही देने हैं, उससे ज्यादा नहीं। पहले हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। भगवान इंद्र के हाथी का नाम, क्या है क्वेश्चन? भगवान इंद्र के हाथी का नाम। चावल और इलायची कौन लाया था, ये सेकंड क्वेश्चन है। चावल और इलायची कौन लाया था? सबसे पहले खीर कौन खाना चाहता था? जब खीर बन गई थी तो सबसे पहले किसका मन कर रहा था खीर खाने का, वो हमको बताना है। किसान क्या लेकर ऐरावत के साथ गया? किसान जब ऐरावत के साथ स्वर्ग जा रहा था तो वह क्या लेकर गया था, ये बताना है। अब हम आंसर्स देंगे। भगवान इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था। चावल और इलायची कौन लाया था खीर बनाने के लिए? जब सबने कहा था कि हम अलग अलग सामान लाएंगे, सबने अपने अपने आइटम बताए थे, तो चावल और इलायची लाने की बात किसने कही थी, बताइए?
हाँ, चावल और इलायची लाने की बात कही थी चीकू चूहे ने। किसने कही थी? चीकू चूहे ने। सबसे पहले खीर कौन खाना चाहता था? खीर बनने के बाद सबसे पहले खीर खाने का मन जिस जानवर का हुआ था वो कौन था? हाँ, वो भी था चीकू चूहा। तो इन दोनों का ही आंसर क्या हो गया? चीकू चूहा। किसान क्या लेकर एरावत के साथ गया? किसान ऐसा क्या लेकर गया था एरावत के साथ? बड़ा सा थैला। क्या लेकर गया था? बड़ा सा थैला। क्यों लेकर गया था? क्योंकि उसे वहां से बड़े बड़े फल भरकर लेके आने थे, लाने थे ना। तो किसान एरावत के साथ क्या लेकर गया था? बड़ा सा थैला। अब हम देखते हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है विलोम शब्द लिखो। क्या करने हैं हमको? नीचे जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के हमको विलोम शब्द लिखने हैं। पहले हम एक बार शब्दों को पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है पुण्य, खुश, मीठी, छोटा, विजय और दूध। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। पुण्य, खुश, मीठी, छोटा, विजय और दूध। इन शब्दों के हमको विलोम शब्द लिखने हैं। पुण्य मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, भलाई का काम करता है, तो कहते हैं ना कि ये तो पुण्य का काम है। जैसे पानी पिलाना, दूसरों को खाना खिलाना, ये सब क्या है? पुण्य के काम है। तो इसके उल्टा क्या होता है? पाप। पुण्य का उल्टा क्या होता है? पाप। पुण्य, पाप। खुश, खुश मतलब क्या होता है? बी हैप्पी, बींग हैप्पी। खुश मतलब क्या होता है? खुश होने से मतलब है इसका। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? दुख। नहीं, खुश का होगा दुखी। खुश का विलोम शब्द क्या होगा? दुखी। हम खुश होते हैं या फिर हम दुखी होते हैं? हम दुख थोड़ी ना होते हैं, हम दुखी होते हैं। तो खुश का हो गया दुखी। अगला है मीठी। मीठी, जो चीज़ कोई खाने की होती है वो मीठी होती है। तो मीठी का विलोम शब्द क्या हो सकता है? कड़वी, मीठा, कड़वा। उसी प्रकार मीठी, कड़वी। छोटा, ये तो क्वाइट इजी है। छोटा का क्या होता है? यस, बड़ा। छोटा, बड़ा। विजय, विजय मतलब होता है जीत। विजय मतलब क्या होता है? जीत होता है। तो जीत का विलोम शब्द तो होता है हार, लेकिन विजय का हम हार नहीं लिखेंगे। विजय का हम लिखेंगे पराजय। विजय का क्या लिखेंगे? पराजय। क्योंकि पराजय जो है वो हार का समानार्थी शब्द है और विजय जीत का समानार्थी शब्द है। तो हार का होता है जीत और विजय का होता है पराजय। ये है दूर। ये तो आपको पता ही होगा, क्वाइट एन इजी वन। दूर का क्या होता है? पास। वेरी गुड, दूर का पास। एक बार दोबारा से सब रिवाइज कर लेते हैं। पुण्य, पाप, खुश, दुखी, मीठी, कड़वी, छोटा, बड़ा, विजय, पराजय, दूर, पास। तो दीज आर द 5 एक्सरसाइजेस जो आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है विदाउट एनी हेल्प। पहले आप चैप्टर्स को पढ़िएगा, उसके बाद इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिएगा। ओके, गुड बाय।